गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ चैप्टर ऑफ फिफ्थ क्लास, दैट इज स्कूल एज अ टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर, कि जो हमारा स्कूल है वो एक मंदिर है। ओके, देर आर सम क्वेश्चंस। बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दैट क्वेश्चंस। डू यू लाइक वीयर क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? आप क्लीन या फिर गंदे क्लोथ्स हो वियर करना पसंद करती हो? डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? क्या तुम एक क्लीन साफ रूम में या फिर एक गंदे रूम में बैठना पसंद करती हो? इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, वेस्ट पेपर, रैपर्स और कैंडीज एटसेट्रा लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? अगर आप देखते हो कि यहाँ पे कुछ रबिश है फ्लोर पे, दैट इज कुछ वेस्ट पेपर्स, रैपर्स हैं, कैंडीज हैं, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। अ क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, यहाँ पे एक क्लासरूम की बात की गई है जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, जो राजू है वो उस क्लास का मॉनिटर है। नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजू, और वो क्या नोट करते हैं कि कुछ बिट्स ऑफ पेपर, दैट मीन्स कुछ टुकड़े, बिट्स का मीन्स होता है कुछ टुकड़े, जो पेपर के कुछ टुकड़े हैं वो लाइन है, पड़े हुए हैं फ्लोर पर मंजीद के पास। लाइन मीन्स का पड़े हुए हैं, पड़े हुए। नाउ लेट्स रीड। राजू, जो राजू है वो मंजीत को बोलता है, मंजीत हु हैज थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास, कि किसने ये जो बिट्स ऑफ पेपर हैं, जो पेपर के पीस हैं, वो किसने क्लास में फेंके हैं? मंजीत, आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता। मे बी सम बॉयज़ हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स, तब वो बोलते हैं कि शायद, मे बी शायद कुछ बॉयज़ थे वो फेंक गए दीज स्क्रैप्स। स्क्रैप्स अगेन द सिनोनियम्स ऑफ बिट्स ऑफ पेपर, दैट मीन्स जो पीसेस होते हैं पेपर के, पीसेस ऑफ पेपर्स, दैट मीन्स जो पेपर्स होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े और या फिर कुछ और गार्बेज ऐसे। राजू, नो यू आर टेलिंग अ लाइन, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, जब मैं क्लास के बाहर गया था, यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर, तुम एक पेपर पर लिख रहे थे, आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ द सेम पेपर, और मैं श्योर हूँ कि ये जो बिट्स हैं ये उसी सेम पेपर के हैं, ये जो टुकड़े हैं ये उसी सेम पेपर के हैं जिस पे तुम लिख रहे थे। मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हियर, मैंने इन्हें यहाँ पे नहीं फेंका। आई थ्रो देम इन द डस्टबिन, मैंने उन्हें डस्टबिन में फेंका था। राजू, लाउडली चिल्लाते हुए, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रो देम हियर, तुमने ही इन्हें यहाँ पे फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब फ्लोर को क्लीन करो, दैट मीन्स अब फ्लोर को साफ करो। मंजीत, व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बीड्स ऑफ पेपर, जब मैंने इन जो बीड्स ऑफ पेपर के जो कचरे हैं उन्हें फेंका ही नहीं, व्हाई शुड आई क्लीन देम, तो मुझे इसे क्लीन क्यों करना चाहिए? बहुत स्टार्ट क्वेरिंग, क्वेरिंग का मीन होता है झगड़ा करना, दोनों ने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट देन, तभी जो क्लास टीचर है, जो क्लास टीचर है वो क्लास में आते हैं। टीचर, बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, कि लड़कों आप इतने शोर क्यों कर रहे हो? देन मंजीत, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी, जो राजू है वो मुझे ब्लेम कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, उसके लिए कंप्लेन कर रहा था या फिर उसके लिए उसे ब्लेम कर रहा था कि वो उसने बीट्स ऑफ पेपर उसने फेंके। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर हियर, वो मुझे ब्लेम कर रहा है कि ये जो पीसेज ऑफ पेपर है या फिर जो बिट्स ऑफ पेपर है मैंने यहाँ पे फेंके हैं। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑफ, और ही इज टेलिंग, वो मुझे बोल रहा है क्लीन द फ्लोर, फ्लोर को क्लीन करने के लिए आंसो भी, वो मुझे फ्लोर को क्लीन करने के लिए भी बोल रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरी जॉब नहीं है। टीचर, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट, सबसे पहले शांत, क्वाइट मीन्स होता है शांत हो जाओ, एंड लिसन टू मी पेशेंटली, और मुझे बहुत ही पेशेंटली, दैट मीन्स ध्यान से या फिर केयरफुली सुनो। टेल मी इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हू क्लीन्स इट, तब वो पूछे मुझे बताओ अगर हमारी बॉडी गंदी हो जाए, हू क्लीन्स इट, उसे साफ कौन करेगा? और वी डू इट अवर सेल्फ सर, हम इसे खुद से करेंगे सर, सभी ये बोलते हैं। टीचर, इफ योर रूम इज डर्टी, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, डोंट यू क्लीन योर रूम? टीचर तब उनसे फिर से पूछते हैं, इफ योर रूम, अगर आपका रूम गंदा हो जाए, इज इट, क्या यह है ओनली सिर्फ योर मदर्स ड्यूटी, तुम्हारी माता की ड्यूटी है, तुम्हारी माता का कर्तव्य है टू क्लीन इसे साफ करना,
डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम तुम्हारे रूम को क्लीन नहीं करते? राजू, यस आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं मेरा रूम खुद से क्लीन कर रहा हूँ। टीचर, गुड राजू। नेहा, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं भी मेरा रूम साफ करती हूँ। आई फेच वाटर विद माई मदर फ्रॉम होम, कि मैं मेरी माता के साथ पानी लेकर आती हूँ कहाँ से, कुएँ से। आई हेल्प हर इन द किचन विद, और मैं उनकी किचन में भी हेल्प करती हूँ। बिट्टू, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट द शॉप, मैं भी जो मेरे पिता की है वो उनकी शॉप पे हेल्प करता हूँ। टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, हम काम करते हैं हमारे घर पे खुद आवर सेल्फ खुद से। एट हेल्प, और किसकी हेल्प करती है? फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करती है। डियर, वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउसहोल्ड एक्टिविटीज आर आवर जॉब्स और नॉट, यहाँ पे हम नहीं सोचते वेदर क्या आवर हाउसहोल्ड एक्टिविटीज, कि जो हमारी हाउसहोल्ड होता है दैट मीन्स जो घर के जो आउटडोर एक्टिविटीज घर का है, कि जो हमारे घर के काम होते हैं वो हमारी जॉब दैट मीन्स हमारी ड्यूटी है या नहीं। दैट मीन्स अपने घर पे हमेशा खुद काम करते हैं, तब अपने ये नहीं सोचते कि ये मेरी ड्यूटी है या नहीं, अपने हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं। इन द सेम मैनर, इसी सेम वे में आवर स्कूल इज ऑल्सो लाइक अदर होम, जो हमारा स्कूल है वो भी हमारे घर की तरह है। वी लिव हेयर टूगेदर, हम यहाँ पे एक साथ रहते हैं। एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर, और हम यहाँ पे एक फ्रेंडली बहुत ही जो मित्रता वाला जो एटमोसफियर दैट मीन्स जो वातावरण होता है उसमें रहते हैं। एटमोसफियर वातावरण शुड नॉट बी थिंक ऑफ इट्स क्लीनिनेस ऑल्सो, क्या हमें खुद को इसकी जो क्लीनिनेस जो होती है सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जो उनका टीचर है वो उनसे ही पूछ रहे हैं, अगर हम घर पर सबकी हेल्प करते हैं तो क्या हमारे स्कूल में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, क्या हमें उसकी सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ वी मेक इट डर्ट, अगर हम इसे गंदा करते हैं विल क्लीन इट, कौन इसे साफ करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट ओवर सेल्फ, तब वो कहते हैं मैं सोचता हूँ हमें करना चाहिए इसे ओवर सेल्फ दैट मीन्स खुद से। मंजीत, यस सर आई गॉट इट, यस सर मुझे इस चीज़ का पता चल गया है, दैट मीन्स उसने इस चीज़ को प्राप्त कर लिया है। वी विल ऑल मेक अवर क्लास रूम एंड स्कूल, हम सभी अपनी क्लास रूम और हमारे स्कूल को साफ करेंगे। और द स्कूल इज आवर्स, तभी सभी बच्चे बोलते हैं कि स्कूल हमारा है, लेट्स क्लीन इट केयरफुली, चलो इसे बहुत ही केयरफुली साफ करते हैं। वी विल नॉट लीव अ बिट, और हम यहाँ पे एक भी जो बीट का मीन्स है यहाँ पे कोई पीस नहीं छोड़ेंगे, दैट मीन्स कोई भी कचरे का या फिर गार्बेज का पीस नहीं छोड़ेंगे। दैट इज द क्लासरूम फिट, दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, वो सभी क्या करते हैं टेबल और बेंच को अरेंज करना दैट मीन्स व्यवस्थित करना स्टार्ट कर देते हैं। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर, तब वो क्या करते हैं डोर को वाइप करते हैं दैट मीन्स वो साफ करते हैं और स्वीप करते हैं फ्लोर को। स्वीप का मीन्स होता है कि पोचा लगाना, जो पोचा लगाया जाता है जो फ्लोर पे वो लगाते हैं। राजू, आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, यहाँ पे कॉबवेब्स होता है जो मकड़ी के जाले होते हैं उन्हें कॉबवेब्स बोला गया है, मकड़ी के जाले। तब राजू बोलता है कि मैं जितने भी दीवार पर जो मकड़ी के जाले हैं उन्हें रिमूव का मतलब होता है हटाना, कि मैं उन्हें हटा दूँगा। यूजिंग अ स्टूल, एक स्टूल को यूज़ करते हुए आई क्लीन माई स्कूल, मैं पूरे स्कूल को क्लीन कर दूँगा। नेहा, आई विल स्वीप द फ्लोर, और मैं जो फ्लोर है उसे स्वीप करूँगी, साफ करूँगी। एंड वाइप द डोर, और जो डोर है उन्हें भी वाइप करूँगी। यहाँ पे स्टूडेंट फ्लोर और डोर के लिए स्वीप और वाइप का मीन्स होता साफ करना ही है, बट स्वीप का मीन्स होता है जो अपने पोचा लगाते हैं उसे स्वीप बोला जाता है, और वाइप का मीन होता है जो अपने डोर्स को साफ करते हैं जिस चीज़ से उसे वाइप किया जाता है। यूजिंग अ ब्रूम, ब्रूम दैट मीन्स झाड़ू, जो अपने मोस्टली घर पे यूज़ करते हैं। यूजिंग अ ब्रूम आई क्लीन माई रूम, मैं मेरे रूम को साफ कर दूँगी। देन ऑल वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम सभी क्या ग्रो दैट मीन्स उगाना, हम सभी जो फ्लावर के प्लांट्स हैं उन्हें उगाएंगे। विद टीचर्स एंड आर्ट्स, टीचर और आर्ट्स के साथ। स्कूल इज अवर टेम्पल, जो स्कूल है वो हमारा मंदिर है। नॉलेज इज एम्पल,
सर्कल का मीन होता है, जो हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, है ना, वो जो बहुत ज़्यादा बड़ी है। टीचर यू आर ऑल राइट, जो टीचर है वो उनसे बोलते हैं कि तुम सभी सही हो, लेट्स मेक अ स्कूल ब्राइट, चलो अपने स्कूल को ब्राइट बनाते हैं, ब्राइट का मीन्स चमकाना। इफ वी आर ड्यूटीफुल, अगर हम ड्यूटीफुल हैं दैट मीन्स हम अपने कर्तव्य को समझते हैं, पार्ट विल बी ब्यूटीफुल, जो हमारा इंडिया है वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपके ये जो क्वेश्चन आंसर है दिस विल बी सेंट विद योर वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर नेक्स्ट अगेन, थैंक यू स्टूडेंट्स।